गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है जी, 7 बजने वाले, पहले 2-4 मिनट और बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया। बच्चों को नहा धोवा नहा धो तो लिए सारे के सारे, और आंसू बना रही उनके बाल, इन्हें तैयार कर रही और गुड्डों के पहले बना रही और उसके रह रहे यीशु के। खाना नहीं खाया क्या इन्होंने? मैंने तो खा लिया, शुक्र है। सुबह का टाइम ना इनकी दोनों की, वह आधी रोटी बच रही होगी उसकी तरफ कर दे और वह आधी रोटी बच रही उसकी तरफ कर दे। पर मैंने खा ली ना अपनी पूरी। यीशु, इसका चश्मा ना छेड़ा है। आज बनाई जी इनकी आलू और शिमला मिर्च। आलू तो कॉमन से ही हो गए, क्यों लड़ रही? गंदी बात है, उसमें स्क्रैच आ जा, मैं स्क्रैच आ जा। तो जी इनका तो ये चलता ही रहा दोनों का, स्कूल में आने के बाद भी और स्कूल तो पहले। और अगर ये लड़ती नहीं ना तो इनका आज मन नहीं होता। और कोई भी एक दूसरे की मान लिया उधर चली गई या कहीं चली गई या स्कूल में देर होगी तो दूसरी परेशान हो जा, आई नहीं मम्मा पापा, आई नहीं बोलो दीदी, और वन कहेगी यीशु कहाँ गई, मेरा मन नहीं लग रहा, यीशु कहाँ गई। इनका दोनों का यही चलता रहे, 24 घंटे का काम है। स्कूल में भी पता नहीं क्यों कर शांत रहती होंगी, अन्नी यहाँ आते ही घर, और घर से शाम के टाइम भी और सुबह के टाइम भी, सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाए थोड़ी थोड़ी सी। इनका यही काम है, खेलना कूदना हंसना बोलना कुछ नहीं, बस लड़ना, जो या तो साथ रहती नहीं या फिर रह रहे तो लड़ेंगे, बस ये है। और या उसे रुआ के रखे है, या उसे छेड़ो जा और वो बेचारी रोल लगे, वो बहुत शरीफ सी, हाँ, शरीफ सी जागती है वो छोटी वाली, या चुरकी सी छोड़ो जा, या पता नहीं चलता या फिर भली बन जा। इसलिए निकलते है, तेरी तो बड़ी है ना, यीशु का गई रोरी रुआती उसे बेचारी को, पहले मैं उसे चुप कर दू जी। तो फ्रेंड्स, बच्चे हो गए हैं तैयार और बस अब जाएंगे, ये जा रहे हैं इनको छोड़ने। आज मैं नहीं जाऊंगी घूमने, बस मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा। क्या हुआ, कहाँ जा लिए मैं? चलो बटन बंद नहीं करे तन्ने, बाय, थैंक यू, पॉकेट में डाल लेकर फिर तेरा गुम हो जा। तन्ने ले लिया बेटा, बोतल रख ली दोनों की। तो फ्रेंड्स, बस अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। सबसे पहले तो संगवाऊंगी रसोई, क्योंकि रसोई थोड़ी फैल सी जाती है बच्चों को बेचने के बाद, और उसके बाद उठाऊंगी अपने बिस्तरे वगैरह। तो लगती हूँ फिर। देखिए जी, मैं लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे बताया था किचन ही थोड़ी सी क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह नहीं करे, इकट्ठे से कर दिए क्योंकि सले फैला हुआ था पूरा। और उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं रूम में, क्योंकि बच्चे गए हैं और ऐसे ही सारा फैला पड़ा है, खाने खुने की थाली भी ऐसे ही पड़ी थी, तो मुझे उठाने थे बिस्तरे। और उससे पहले मैंने थोड़ी देर किया था योग, इसके पापा कहने लगे कि घूमने तो गई नहीं, थोड़ा सा योग कर ले, तो फिर मैंने किया 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं किया। और यहाँ पे बस फिर मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा, जैसा घूमने नहीं गई क्योंकि 1 घंटा तो हमें आराम से लग जाता है, मैं कहा चलो जब तक मैं अपना रूम क्लीन कर देती हूँ, झाड़ पूछ कर दूंगी, जिससे कि टाइम मेरा बाद का बच जाए। वैसे तो मैं ज़्यादातर बाद में ही करती हूँ, तो अभी इसके पापा योग कर रहे थे, मैंने सोचा चलो ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टॉवल वगैरह सारे उठा दिए, उनको ऊपर फैला कहूँगी, ऊपर गया अब तो मैं विंडो में डाल देती हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी 2 दिन से तो, और यहीं पे ही सूख जाते हैं, ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद बस फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी, ये एक रूम हमारा सेट हो गया। अब चलती हूँ दूसरे में, और अब हम एसी में नहीं लेटते, अब हम जब से हमने कूलर लगाया इसी वाले रूम में लेटते हैं सारे, एक फोल्डिंग डाल लेते हैं, कन्हैया लेटता है
उसमें बाहर ऑफिस में एसी वाले में। तो असल में ये जो कूलर है हमारा, यहाँ पे इसकी ठंड अच्छी हो जाती है और फिर उधर लेटने में थोड़ा दिक्कत भी पड़ती है, तो इधर आराम से लेट जाते हैं। तो यहाँ पे कूलर बिल्कुल कूलिंग अच्छी करता है, तो इसीलिए यहाँ पे बस फिर मैंने बिस्तरे वगैरह उठा दिया। अभी ऐसे ही पड़े थे, फोल्डिंग उठाया था सुबह जब उठे थे, बस फोल्डिंग तो उठा ही देते हैं क्योंकि फिर निकलने की जगह नहीं रहती। और उसके बाद मैंने बिस्तरे वगैरह उठा दिया और जो बेडशीट वगैरह वो उठा दूंगी और सारा सामान संगवा दूंगी। सुबह के टाइम थोड़ा घर भी खराब सा रहता है बच्चे जाते हैं जब, क्योंकि वे भी जो अपने उनकी बुक्स वगैरह जैसा लगाते हैं, जो निकालते हैं वो भी ऐसे ही रख देते हैं। कितना ही समझा लूँ लेकिन मानते नहीं बच्चे। बस फिर मुझे भी ये होता है चलो मुझे क्या करना, पूरा दिन यही तो करना है, कोई बात नहीं। सुबह ही सुबह अगर मैं उन पर गुस्सा करूँगी तो फिर पूरा दिन ही खराब जाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे फिर अपने आप कर लेंगे। कर भी लेते हैं जब घर में रहते हैं, कर लेते हैं, बात बोल भी देती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे ही जल्दबाजी रहती है इनको भेजने की, तो इस वजह से। और सुबह ही क्या बिस्तर उठाना कैसे करेंगे, क्योंकि उनको नहाना धोना तैयार होना, और थोड़ा सा सुबह उठने में बच्चे आलस करते ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा बिखरा रहता है। तो यहाँ पे बस रूम मेरे सेट हो चुके हैं पूरे अच्छी तरीके से, दोनों कर दिए मैंने। उसके बाद बाहर की बारी आ गई और इसके पापा देखे योग करने में लगे पड़े, बस कभी इधर और फिर आके करने लग जाते हैं। मैं टीवी भी चला रखा है उन्होंने, टीवी भी देखते रहते हैं और अपना एक्सरसाइज वगैरह करने में लग रहे हैं। मुझे बोल रहे थे कि तू भी कर ले, और मैं कमर ने तो कर ली जितना करना था। बस मेरा क्या है कि अगर मैं जिस काम पे एक बार लग जाऊँ वो ही डेली करना होता है। जैसे अब मैं घूमने जाती हूँ, अगर घूमने जाऊँ चली जाऊँ फिर मेरे से ये नहीं होता कि मैं योग भी कर लूँ। जैसा किसी दिन नहीं गई होता ही नहीं मैं प्रॉपर, अगर मैं योग करना शुरू कर दूंगी तो फिर ये नहीं होने का कि घूमने चले जाओ, ऐसा नहीं होता। जिस काम पर बस एक बार लग जाती हूँ उसी को ही मैं कंटिन्यू रखती हूँ, तो यहाँ ये होती है। तो उसके बाद फिर मैंने ये भी झाड़ पूछ दिया सारा बाहर का एरिया, और अब आ गई मैं इस वाले रूम में। इस वाले रूम में तो सारा साफ ही पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने बताया अब इसमें हम लेटते नहीं, उधर ही लेटते हैं, तो इधर कन्हैया ही लेटता है, तो इतना ज़्यादा फैला नहीं, बस वो लेटता है। तो बेडशीट वगैरह ही मुझे झाड़नी, और सुबह के टाइम इसमें तो मैं हमेशा ही करती हूँ सुबह ही, घर में तो झाड़ पूछ ही होती है लेकिन इसमें तो झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ, क्योंकि फिर इसके पापा यहाँ पे काम करते हैं। और आंटी इस वाले रूम में नहीं करती, मैं कराती नहीं उनसे, क्योंकि फिर ये काम करते रहना फिर कोई देखो काम करेगा तो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है, इस वजह से तो फिर मैं सुबह ही कर देती। तो यहाँ पे बस देखिए सारी झाड़ पूछ करने के बाद झाड़ू लगा दूंगी और फिर लगा दूंगी पोछा, तो इस वाले रूम का मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल, मतलब कंप्लीट। अब उसके बाद बारी आ गई थी साफ सफाई करने के बाद, मैंने नहाया है और मैंने सर भी धोया था, बाल धोए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे बस फिर मैं करने लगी थी पूजा, मैं क्या दोनों ही इसके पापा पहले करने लगे थे, और आज वो कान्हा जी को भी मैंने ही स्नान कराया था। बच्चे कभी करा के चले जाते हैं कभी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम के ऊपर होता है, अगर टाइम उनके पास होता है तो वे कान्हा जी को सुबह ही स्नान करा देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा लेट होते हैं तो बोल देते हैं कि मम्मा आप करवा देना, वो कोई नहीं। तो यहाँ पे बस फिर हमने अपना जो पूजा पाठ है रोज का वो किया। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ हमारी हो गई थी, उसके बाद मैंने नाश्ता भी कर दिया है तैयार, और यहाँ बस देखिए इसके पापा का लगा दिया मैंने नाश्ता, वे भी कर लेंगे क्योंकि फिर उनको काम करना, ठंडा भी हो गया, बना दिया नाश्ता इतनी देर हो गई, ये बहुत पहले ही जा लिए थे। अरे वो जी कर लो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट है तैयार। वो आपको पता ही मैंने बनाई आज शिमला मिर्च की सब्जी, सुबह बच्चों को दी थी और
अब हमारे लिए चाय बनगी और रोटी मैंने सेक दी। आटा वगैरह तो सुबह ही लगा रहता है, बस इस टाइम तो रोटी सेकनी, चाय बनानी। और बस अब मैं भी कर लेती हूँ, इनको दे दिया मैंने। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह हो गया है और अब फिर लगी हूँ मैं अपने किचन में। और यहाँ आज आप देख रहे होंगे, आपने नोटिस किया होगा, आज मैं पहन रही हूँ नया सूट। ये भी मैंने सिलाया है एक सूट, ये ऑल ओवर सूट है, सूट सलवार ही बनवाए इस बार मैंने ज़्यादा। जो मैंने दुकान पे सूट सिलने दिए थे वो भी मेरे बन के आ गए, ये मैंने अलग से बनवाया। सिंपल सा ही है, एक ही उसमें मतलब ऑल ओवर ही है। और इसका जो कपड़ा है बिल्कुल कॉटन का, हल्का सा बिल्कुल, और अच्छा लग रहा, कलर भी प्यारा लग रहा पहन के। तो आज ही पहना है, ये सिला हुआ तो काफ़ी दिन का, मुझे लगे 10-15 दिन हो गए सिल गया था, लेकिन आज ही मैंने ये पहना है। तो आपको कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस मैं अपना रसोई में लग रही, मुझे ना हल्के फुल्के से सूट ही ज़्यादा अच्छे लगे। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े के, जैसा ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी मोती वगैरह या कुछ होते हैं तो मुझे ज़्यादा इतने पसंद नहीं होते। और अगर पार्टी में जैसा पहनने के लिए हम लेते हैं, उनका क्या होता है, मैं पार्टी में तो पहनने जाते हैं लेकिन फिर मैं डेली यूज में नहीं जाते। मुझे लगता है कि अगर जो ज़्यादा महंगा कपड़ा है वो ज़्यादा नहीं पहना जाता, जितना ज़्यादा सस्ता कपड़ा होगा वो इतना ही ज़्यादा पहना जाता है, मेरे हिसाब से ये है। सबकी नहीं बता रही, मैं अपनी बता रही। और ये तो मैंने डेली यूज के लिए बनवाया गर्मियों के, सिंपल सा है, इस पर प्रिंट ही है सिर्फ, कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं, तो मैंने ये डेली यूज के लिए बनवाया। तो फ्रेंड्स अब हो गया है दोपहर का टाइम, 12:20 हो गए हैं देखिए, और मैंने इधर खाना बनाना शुरू कर दिया है। मैंने बनाई है अरबी की सब्जी, सुबह नहीं बनाई थी क्योंकि गुड्डू को सुबह चाहिए थी सब्जी अरबी की, लेकिन सुबह मैंने शिमला मिर्च बनाई थी, वो इसलिए ईशु अरबी नहीं खाती, फिर वो लंच में ले जाती है इस वजह से। तो ईशु कहने लगी मम्मी शिमला मिर्च बना दो, तो फिर मैंने सोचा चलो दोपहर में मैं बना दूंगी अरबी। तो अभी बस गुड्डू आ जाएगी 1 बजे तक, तब तक मैंने बना सब्जी में तड़का लगा दिया और इधर आटा वगैरह भी लगा कर रख दिया। अभी मुझे लस्सी बनानी दही से, वो मैं बना लूंगी। और इधर देखिए बाबू राम जी, ये अपना लग रहे खेल में, और ये कले से खेल रहा काफी देर हो गए, और यहाँ गर्मी में ही खेल रहा, पंखा चलाने नहीं देता कि उड़ा है, इतनी गर्मी हो रही। तो यहाँ पे जितनी कले सा खेला इतनी देखे गए खिंडरी, और अभी सा क्या करा गया, झाड़ू सा सारी को नाली में कर देगा, इतनी सारी को इसी तरीके से सारी ने डिब्बे खाली कर दिए, वो भी डब्बा बंद कर ले दूसरा भी कले का। यहाँ देख तेरे पैर गंदे हो रहे हैं, उनपे सोफा पे लगेंगे, इन पर कले चिपक रही, यहाँ रख दे मैं रख दूंगी टेबल पर रख दे, पैरों पर कले चिपक रही बेटा, सोफा पर चिपक जाएगी सारी। तो यहाँ पे अब ये खेल, और नहीं खेलते क्या आप, क्यों मन नहीं है, बस हर खेल इसका 5-10-15 मिनट का ही है, इतनी देर खेल कर ये छक गया, बस एक चीज खिंडावे फिर दूसरी ठा ले, ये पहले कंप्यूटर में लग रहा था, उसके बाद फिर किताबें वगैरह उठाई इसने सारी, अब ये डस्टबिन में गिर देना देख कर दिया न साफ, अरे अभी न देखो झाड़ू पे सारे को नाली मगर देगा सारी कले को, इतनी सारी पड़ी है देखो, इतनी इतनी रोज एक मुट्ठी कले निकला है ना तो डब्बे खाली हो जाए देखियो, आराम से सारे गुना फैलावे, आराम से कर, कैसा करते हैं कैसा करते हैं, ऐसा कर रहा गंदे बच्चों की तरह, जैसा गंदे बच्चे कर रहे हैं। तो जी बस अभी तो टाइम है, जब तक मैं लस्सी वगैरह तैयार कर दूं तब तक मैं फिर वो बना दूंगी क्या नाम, फिर रोटी जब गुड्डू आ जाएगी तब बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए खाना लग चुका है, खाने में मैंने जैसे बताया था अरबी की सब्जी बनाई, और इधर ये थोड़ा सा राजमा, ये कृष्णा घर से ही लेके आया था, इसके डैडी खाना लाए थे ना तो उसमें से रख लिया था, तो वो कह रहा कि मम्मी मुझे दे दो, तो वो राजमा ही खाएगा। और गुड्डू की थाली लगी उसके पापा की, इसके पापा के लिए मैंने खांड भी ले ली, और ये लस्सी, लस्सी में थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ पुदीना उनके लिए। तो बस अब मैं उनको खाना दे के आती हूँ।